हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वसंत पंचमी के बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शुरू शुरू में जब हमारा तैयारी शुरू हो रही थी, और तैयारी के शुरू से ही थोड़ा थोड़ा हमने फोटोज़ लिए थे, क्योंकि अकेले काफ़ी तैयारी रहती है तो ज़्यादा फोटोज़ लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। तो ये जो बीच में जो वेदी बनाया है, ये हमारे माता सरस्वती जी यहाँ पे विराजमान होंगी। और ये जो स्वान है, ये प्लेट मैंने आपको दिखाया था सभी लोगों को, और इसी इसी को ही इसी के ऊपर ही जो है ये आसन बनाएंगे। एक्चुअली इनके ऊपर ही माता सरस्वती जी को विराजमान करेंगे, गणपति जी सामने बैठेंगे। तो ये देखिए, ये है आज माता सरस्वती का जो दर्शन है वो भी कर लीजिए आप। सफ़ेद साड़ी पहने हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सफ़ेद माला पहने हैं, कमल का फूल हमें मिल गया था, तो दोनों तरफ मैंने दोनों कमल का फूल रखा है। बीच में इधर गणपति जी बैठे हैं, इनके सामने हमने सारे भोग, जो फल की मेनली फल की ही भोग चढ़ाया गया था, तो फल की भोग रखा है। यहाँ पे चंदन, अबीर, गुलाल और हल्दी रखा है। और यहाँ पे हमने जो है घट तैयार करने के लिए, घट में जो भी सामान हम डालेंगे वो रेडी करके रखा है। कमल के कुछ फूल और धूप और पंच प्रदीप, जो पंच प्रदीप में जो हम कपूर डाल के आरती करेंगे उसकी तैयारी है। और यहाँ पे रखा है बुक्स वगैरह, तो छोटे जो बेटे के क्लास अभी भी चल रहा है, तो क्लास होने के बाद वो बाकी बुक्स भी यहाँ पे और रखेंगे, और बाकी मेरे कंप्यूटर वगैरह भी रखना है। तो इस तरह से हमारी सवेरे की तैयारी शुरू हुआ है। और कमल के फूल मिलने से मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे बड़ा मन था कि कमल के फूल मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और हमें मिल भी गया। तो इस तरह से पूजा होने के बाद हमने जो है आरती किया है। ये धूप में घर पे गोबर के कंडे और जो धूप धुना मिलता है वो सारी चीज़ें लेके बनाया है, घर पे ही धुना करते हैं। ब्रजधाम में जो है आज से ही होली शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमारे कान्हा किशोरी जी, लड्डू गोपाल, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पोशाक आदि पहन के तैयार हो गए हैं यहाँ पे। और मंदिर में पूजा जो है सबसे पहले हो जाती है, तो मंदिर की पूजा सबसे पहले होने के बाद हम कान्हा किशोरी जी के, सरस्वती माँ का, गणपति जी के यहाँ पे अलग से पूजा कर रहे हैं। तो अभी ये जो चल रही है, ये आरती की है हमने, कपूर से आरती किए, पहले धूप धूना दिखाए, और इसके बाद शंख ध्वनि और घंटी वगैरह ये सब करके इनकी आरती उतारा जाता है। पूजा पद्धति पूरा लेना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो है पूजा करते वक्त हम वीडियो कैसे ले, तो इसीलिए पूरा पूजा नहीं हुआ। पूजा के बाद हम जब आरती कर रहे थे तभी का थोड़ा सा क्लिप्स लिया है, और पूजा के बाद के क्लिप्स लिए हैं। तो दोस्तों, हमें तो सरस्वती पूजा करके बहुत अच्छा लगा। पाक देवी है ये, और हमारे इनके ऊपर अगर इन हमारे ऊपर अगर इनकी आशीर्वाद रहे, तो हमारा जो बोलने का है, बोलने का जो तरीका है, वो सब चेंज होता है। हमारे शब्दों से कभी किसी को आघात ना पहुँचे, ऐसे ही हमारा सोच होना चाहिए। आज माता सरस्वती का स्वरूप देखने लायक हो रहा था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लिख रहे थे। और छोटा सा एक डक मुझे और लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो इनको भी मैंने यहाँ पे विराजमान किया, और सब मिला के मुझे बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ। और ये है हमारे प्यारे गणपति जी, जिनकी सबसे पहले परम पूज्य है, सबसे पहले इन्हीं की पूजा हुआ है, और पंचोपचार से पूजा हुआ है। भोग में मेनली फल का भोग लगाया है, इसके अलावा दही दिया है, पंचमेवा, और साथ में इलायची वगैरह ये सब। यहाँ पे हमने धूप प्रज्वलित किया है, यहाँ पे शंख है, शंख का भी पूजा होता है, यहाँ पे अखंड दिया जलाया है, जो कि पूरी मतलब पूरा दिन आज अखंड दिया, ये घी का दिया जलना चाहिए, तो यहाँ पे अखंड दिया जलाया है, और दही वगैरह ये सब दिए हैं जो। और रात को हमने बनाया था खीर, तो रात को खीर जो चढ़ाया था उसका तो फोटोज़ यहाँ पे नहीं, बस मैं ऐसे बता देती हूँ कि रात को हमने खीर बनाया था। ये घट स्थापना जो हुआ था, ये घट स्थापना है, यहाँ पे अच्छे से हमने स्वास्तिक भी बना के रखा है, और आम के पत्ते काफ़ी गर्म, नरम और कोले हो रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम से जैसे कि एनर्जी बाहर आ रहा है ऐसा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो कुछ इस तरह से हमारा पूजा हुआ था। हमने घर पे, हमें जितना आता है, जितना हमें पता है,
वैसे ही हमने घर पे छोटे से पूजा किया था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को भी ये पूजा अच्छा लगा और आपने भी घर में पूजा छोटा सा किया ही होगा। घर में जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई के लिए बच्चे होते हैं और जो कुछ म्यूज़िक वगैरह सीख रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, तो वो घर में सरस्वती पूजा तो ज़रूर करते हैं। और इस दिन जो है मोर पंख का एक उपाय भी किया जाता है। मोर पंख माता के पास रख के सारा पूजा के बाद वो मोर पंख बुक्स में भी रखा जाता है, तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। तो सब मिला के मैं क्या कहूँ, मुझे तो ओवरऑल जो है बहुत सिंपल में ही हम लोग सजाने की कोशिश किया है और सब मिला के जो है अच्छा लग रहा था, क्योंकि वसंत पंचमी है, फूलों की त्यौहार है, तो चारों तरफ हमने फूल से ही डेकोरेट करने की कोशिश किया है। और बाद में हमने एक फूलों की माला भी बना लिया था। फूल थोड़ा लेट आ गया एक्चुअली जब भी, तो बाद में एक फूलों का अच्छा सा हार बनाया था, मैंने खुद ही बनाया था और वो भी माता को अर्पण किया था। और माता काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने भी वीडियो इन्जॉय किया है। ये हमारा थोड़ा बहुत भोग जो भी हमने लगाया था, पंचामृत बना के रखा था और फल का ही भोग, ज़्यादा से ज़्यादा तो फल का ही भोग चढ़ाया था। 5 प्रकार का फल तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए और नारियल वगैरह भी चढ़ाना चाहिए, नारियल भी हमने चढ़ाया था। तो इस तरह से हमारा सरस्वती पूजा कंप्लीट हुई थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये माला मैंने बाद में अपने खुद ही बनाया था माता को चढ़ाने के लिए जब फूल आ गया घर पे। तो उससे पहले जितना फूल हमें मिला था उससे ही हमने सजाया था, पूजा किया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली है। आपको कोई स्पेशल वीडियो देखना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे कि आपकी जवाब दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सरस्वती।